नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही बिहार के छपरा से, जहां पर जानकारी मिली कि दो दिन इंटरनेट बंद कर दिया पूरे राज्य में। आरजेडी और बीजेपी समर्थक के बीच जमकर विवाद हुआ और फायरिंग की घटनाक्रम सामने आ रही है। जानकारी मिली कि यहां पर प्रत्याशी रोहिणी बोली कि बीजेपी वाले लोकतंत्र के खिलाफ हैं। छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ, दोनों पक्ष आपस में फायर करने लगे। सभी आरजेडी के समर्थक बताया जा रहे हैं कि इसके बाद इलाके में तनाव होने लगा। पुलिस ने बताया कि अब तक फायरिंग की घटना में 3 लोगों की सूचना मिल चुकी है। मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो हार के डर से ये सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। वहीं रोहिणी आचार्य ने भाजपा के लोग डरे हुए हैं ये बोलकर आगे बढ़ी। भाजपा वाले गुंडों पर FIR होनी चाहिए। जानकारी बता दें कि यहाँ पर सोमवार शाम रोहिणी मतदान के दौरान बूथ नंबर 318-19 पर पहुंची। किसी बात पर रोहिणी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया और जहां पर फायर की घटनाक्रम सामने आ रही है, इसमें 2 लोगों की खबर सामने आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। तमाम खबरों के लिए बन रही जेएनयू।